ये देखो गाइस, हम लोग क्लास में नहीं, इस टाइम स्विमिंग पूल में बैठे हुए हैं। एक मछली पानी में गई, छपाक इसी पानी में। और ये देखो हमारे क्या क्या होता रहता है। हाँ, सुसाइड करने के लिए। सीढ़ी वीढ़ी परेशान हो चुका है, वो यहाँ आ सकता है गाइस। कॉलेज नहीं है, पढ़ाई के अलावा यहाँ सब कुछ होता है। ये देखो कितना गंदा, छी छी। और आज आया मेरा सनी, इसकी तबीयत दो तीन दिन से खराब थी। अभी खराब है, फीवर है मुझे। और ये रही हमारी खुशीपाल। हाय, कैसे हो? खुशीपाल बढ़िया है हमारी। काम लिखती रहती, मेरा भी लिख देना इसके बाद। अच्छा। देखो सियारगिरी करते हुए अपनी। बहुत काम चोर है। क्या बोला? काम चोर है ये, मुझसे काम कराती है अपना। वो है इतनी क्यूट सी यार। मेरे लिए मेडिसिन लेके आई वो बेचारी। हाँ, ये बेचारी ने अभी मेडिसिन खाई है। कहाँ गई तुम्हारी डोलो? ओके, ये लाई थी। और ये रही हमारी सियार। सियार हाय। यार तुम्हारी बेइज्जती हो रही है। और ये जो सुस्ती है ना, ये भी है। सब्जी ये देखो, पता नहीं किस बारे में बात कर रहे हो। हां, तुम मेरी तारीफ कर रही थी शायद। हां, ये बहुत काम की बने गाइस, इसको काम करने का, जब ये काम करने का होता है, ये बोलती है मुझसे कि प्लीज यार मेरा लिख दो, पूरा मुझसे लिखवा देती है और कुछ नहीं करती मेरा। ये झूठ बोल रही गाइस, कुछ भी नहीं। और पता है इसने ना, इसको ना कोई सामान मत देना, खुआ देती है। अरे वो तो यार गलती हो गई थी, जब मैंने आप लोगों को बताया था गाइस कि हम लोग का वो मेरा वो सब खो गया था। बहुत है। अरे अरे इतना नहीं बोल देना। और सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग मैंने सुबह में स्टार्ट नहीं करा था, अब स्टार्ट कर रही हूँ मैं। अभी से मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। ये उसको हमेशा लेट हो जाता है। नहीं, उठने में लेट वेट कुछ नहीं होता है, लेकिन जो दीदी है ना, दीदी थोड़ा रूम में रहती हैं तो मैं बना नहीं पाती हूँ ब्लॉग। ये देखो गाइस, जो मैं रैप लिखी थी, मैं वो भी लेके आई हूँ। सनी, मैंने तुमको सुनाया, तुमको कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और कुछ बोलना है? तुमको कैसा लगा? थैंक यू गाइज। ये मेरा हिडन टैलेंट है, जिसको मैं हिडन ही रखती हूँ, उतना ही काफ़ी है मेरे लिए। और हम तीनों सोच रहे थे मिलके एक म्यूज़िक कंपोज करते हैं। तो गाना तो मैंने लिख लिया, अपना रैप वाला पार्ट लिख लिया है, ये कोरस गा सकती है। और ये ये म्यूज़िक दे सकती है रानू मंडल। तेरी मेरी ये रानू मंडल बन सकती है। रोस्ट ना कर देना कोई मेरे को। नहीं, ऐसा नहीं है गाइस, बहुत अच्छे अच्छे लोग देखते हैं, रोस्ट कोई नहीं करेगा। नहीं होते कुछ होते लोग। ये नहीं बोलना था, इतना भी सच नहीं बोलना था। रोस्ट करने से तो पैसा मिलता है। चलो हम दोनों करते हैं किसी को रोस्ट। किसी को हम दोनों करते हैं, हम दोनों करें किसको? रोस्ट करने के लिए दोस्त ही काफ़ी हैं, हम इसको रोस्ट कर देते हैं, मुझको कर देते हैं, मैं इसको कर देती हूँ। गाइस, मेरे को सब लोग मिलके क्लास में रोस्ट कर देते हैं। ये देखो गाइस, हमारी क्लास की पढ़ाकू बच्ची लंच में भी पढ़ रही बैठ के। और ये रहे कुछ चुटकी भर लोग। मेरे को चेस्ट थेरेपी हो। बोलो बाबू, तुमको क्या चाहिए? फिजियोथेरेपी। आज ही हम लोगों ने चेस्ट थेरेपी सीखी और आज ही इसको चेस्ट थेरेपी नहीं, चेस्ट थेरेपी। ऐसा नहीं गाइस, उसको जुकाम हो रहा है, इसीलिए उसको चाहिए चेस्ट थेरेपी। जिसे नहीं पता वो यूट्यूब पे सर्च करके। ये मेरी पेशेंट है, मैं इसकी नर्स हूँ, मैं इस पर प्रैक्टिकल छपरी वाली नर्स है। ये छपरी नर्स नहीं गाइस, मैं ब्यूटीफुल नर्स हूँ।
सर पीला अगर तुमने ट्रीटमेंट कराया तो पक्का आईसीयू। अगर आप लोग को मुझसे मिलना है तो आप नहीं, अगर आप लोग को हम लोग से मिलना है तो आप लोग हॉस्पिटल में हॉस्पिटल एडमिट हो जाइए, हम लोग आपसे डेली डेली मिल लेंगे। हाँ इधर डिस्काउंट मिलता है लेकिन पता नहीं किसके नाम पे, किसके नाम पे डिस्काउंट मिलता है। हमारा नाम बोल दे बस, तृप्ति के नाम पे डिस्काउंट मिलता है गाइस, आओ और इसका नाम बोल दो हॉस्पिटल में, बना देंगे पक्का। खाली हम लोग को यहाँ पे दवाई 1-2 रुपए की मिल जाती है, इसके अलावा यहाँ कोई फैसिलिटी मत आना यहाँ पे कोई भी। सो गाइज अभी कॉलेज की छुट्टी हो चुकी है और मैं जा रही हूँ वापस अपने हॉस्टल, और जब आती हूँ ना तो ऑटो वाले से अगर कहो कि इधर तक आने के लिए तो मना ही कर देते हैं, कहते हैं हम लोग उधर जा ही नहीं रहे हैं, बहुत दुष्ट होते जा रहे हैं ऑटो वाले भी, तो पैदल पैदल आना पड़ता है अब। और भूख बहुत तेज़ लग रही है, आज कुछ खाया ही नहीं लंच में, तो चलते हैं कुछ खाने पीने का इंतजाम करते हैं अपने। सो गाइज अभी कॉलेज से आते ही तुरंत चेंज करने के बाद मैं गई थी थोड़ा सा फ्रूट लेने के लिए, तो अभी मैंने फ्रूट भी ले लिया है, तो चाय तो आज पियेंगे नहीं, चल के खाते हैं फ्रूट। ये देखो गाइज आंटी ने भी वो सुखा रखे हैं आंवले, तो अभी हम लोग चलते हैं अंदर। सो अभी मैंने पपीता भी खा लिया है, और वो खाने के बाद ना मैंने बहुत सारे अपने कपड़े भी धो के और ऊपर सूखने के लिए डाल दिए हैं, तो रात भर में सूख जाएंगे, और जो मेरे सॉक्स हैं ना वो थोड़ा ज़्यादा स्मेल करते हैं क्योंकि मेरे हाथ और पैर में थोड़ा ज़्यादा पसीना आता है ना इसीलिए, तो मैंने सारे सॉक्स भी धो के डाल दिए हैं, शायद रात भर में सूख जाएंगे। और अभी हो चुका है डिनर का टाइम, तो चलते हैं अभी डिनर लेने के लिए, देखते हैं डिनर में आज क्या बना है। सो अभी देखते हैं कि आज क्या बना है। ये तो गाइस रसेदार कटहल लग रहा है। सो मैंने ना भैया जी से कह के फ्राई राइस करवा लिए थे अपने लिए, क्योंकि गाइस आज ना बना था रसे वाला कटहल, और मैं कटहल तो खाती हूँ बट वैसा ग्रेवी वाला नहीं खाती हूँ, तो अभी मैं खाती हूँ फ्राई राइस।